सैल्यूट है विराट कोहली आपको, सैल्यूट है। एक तो सबसे पहले आपने 20 साल का इंतजार खत्म कराया, साथ ही उस दर्द का बदला लिया जिसके लिए पूरा हिंदुस्तान 2019 के वर्ल्ड कप में रोया हुआ था। आपने कीवी को ऐसे धोया जिससे उम्मीद की जा रही थी कि उस दर्द का बदला आप इसी तरह लेंगे, और आपने उस उम्मीद को, हर हिंदुस्तानियों की उम्मीद को, हर क्रिकेट प्रेमियों की उम्मीद को आपने पूरा किया धर्मशाला में। लक्ष्य बड़ा नहीं था न्यूजीलैंड से, लेकिन आपने इस लक्ष्य को आसान भी बनाया, एक जबरदस्त पारी भी खेली। आपकी ज़रूरत थी टीम इंडिया को आज, जिस तरह से शुरुआत में रोहित शर्मा और शुभमन गिल के आउट होने के बाद दिक्कतें हुई थी टीम इंडिया को, आपने जिस तरह से संभाला वो यकीनन सैल्यूट करने के लायक ही है। आपने हर मैच में, इस वर्ल्ड कप के हर मैच में आपने साबित किया कि आप वाकई चेज मास्टर हैं, और इसलिए अमूमन देखा जा रहा है इस वर्ल्ड कप में। और एक नई तरकीब टीम इंडिया कर रही है कि वो मोस्टली है टॉस जीतने के बाद भी गेंदबाजी चुन रही है, क्योंकि इस बार के वर्ल्ड कप में टीम इंडिया को चेज करना शायद ज़्यादा भा रहा है, और भा भी इसलिए रहा है क्योंकि हमारे चेज मास्टर हमारे साथ हैं। हमारे चेज मास्टर विराट कोहली बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं, बेहतर तरीके से बैटिंग कर रहे हैं, क्या शॉट खेल रहे हैं। 50 भी पूरा किया उन्होंने, साथ ही साथ उम्मीद जताई जा रही थी कि जिस तरह हमने 1987 और 2003 के वर्ल्ड कप के बाद न्यूजीलैंड को कभी हराया नहीं था मैच में, 20 साल पहले जब वीरेंद्र सहवाग और सौरभ गांगुली की टीम इंडिया कहला रही थी, तो उस समय हमने हराया हुआ था न्यूजीलैंड को। उसके बाद 20 साल से किसी भी वर्ल्ड कप में हम इस कीवी को हरा नहीं पा रहे थे, और इसके दर्द 2019 के वर्ल्ड कप में ज़्यादा दिखा क्योंकि धोनी उस समय कप्तान थे और उम्मीद जताई जा रही थी। बहुत अहम मुकाबला था और उस अहम मुकाबले पे हम टूट गए थे, पूरा हिंदुस्तान रो रहा था, लेकिन चेज मास्टर विराट कोहली की इस विराट पहाड़ी ने धर्मशाला की सर्दी में गर्माहट दे दी है पूरे हिंदुस्तान को। सैल्यूट है विराट कोहली, आपके परफॉर्मेंस को सैल्यूट है। और आगे जिस तरह से आप चेज कर रहे हैं, जिस तरह से बैटिंग कर रहे हैं, आपने टीम इंडिया को ग्रुप में टॉप लेवल पे तो लाया ही है, क्योंकि न्यूजीलैंड के खिलाफ और इंडिया का मैच दोनों टीम परफॉर्मेंस बेहतर कर रही थी, दोनों जबरदस्त तरीके से अभी तक इस वर्ल्ड कप में खेल रही है, दोनों ने 4-4 मैच बैक टू बैक जीते हैं। लेकिन ये अंक तालिका न्यूजीलैंड के खिलाफ मैटर नहीं कर रहा था, मैटर बस यही कर रहा था कि हम जो दर्द न्यूजीलैंड ने दिए हैं इंडिया को, चाहे 19 का हो या 20 साल का सूखा हो, उस दर्द से कैसे राहत मिले। और आपने जो दर्द दिया था वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल से पहले, आपने जबरदस्त तरीके से धोया है न्यूजीलैंड को, पूरी की पूरी टीम ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से खेला। रोहित शर्मा आए, 46 रन बनाए, और बिना किसी रिकॉर्ड के सोचे बगैर उन्होंने 46 रन ताबड़तोड़ पारी खेली। रोहित शर्मा भी आए, उन्होंने भी ज़बरदस्त तरीके से खेला। सूर्य कुमार यादव आए, केएल राहुल आए, लेकिन एक छोर पर विराट कोहली जमे रहे और उन्होंने ये साबित किया कि वो मैच जीत के जाएंगे, केवी से दर्द का बदला लेके जाएंगे और टीम इंडिया को टॉप लेवल पर पहुंचा के रखेंगे। फिलहाल आपको सैल्यूट करने के अलावा हम हिंदुस्तानियों के पास कुछ नहीं है, और आपसे बस यही उम्मीद है कि इस वर्ल्ड कप में जिस तरह आप खेल रहे हैं विराट कोहली, उसी तरह खेलें, क्योंकि आपके इस खेल से टीम इंडिया की जीत होती है। धन्यवाद, गुड नाइट।